खेल, राजनीति या शिक्षा, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, महिलाएं अपनी प्रतिभा से उस क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। आज महिलाएं न केवल एक बल्कि हर क्षेत्र में पहचान बनाने की कोशिश में लगी हो और सफल भी हो रही हैं। इस बात का उदाहरण है साइना नेहवाल। जी हाँ, बैडमिंटन खिलाड़ी खेल जगत में अपनी प्रतिभा दिखाने के बाद अब राजनीति में भी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। लाखों लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन साइना नेहवाल ने बुधवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। 29 साल की साइना नेहवाल ने अपनी बड़ी बहन चंद्राशु नेहवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। बैडमिंटन खिलाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेलों को बढ़ा दिया, मैं उनसे प्रेरित हूँ। वो खेल के साथ राजनीति में भी अपना योगदान देना चाहती है और देश के लिए कुछ करना चाहती है। बता दें कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली सानिया का जन्म एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ। इस मुकाम तक पहुंचने में साइना का सफर आसान नहीं था। दरअसल साइना के जन्म के बाद उनकी दादी ने उन्हें देखने से भी मना कर दिया था। उन्होंने करीब 4 महीने तक उनका चेहरा नहीं देखा था, जिसके बाद दादी की इसी नज़रअंदाजी को साइना ने अपना हौसला बनाया और आज ये मुकाम हासिल किया। साइना के पेरेंट्स हरियाणा के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी थे। साइना की शुरुआती पढ़ाई तो हिसार में हुई, लेकिन बाद में उनके पापा का तबादला हैदराबाद में हो गया और फिर उनका परिवार वहां चला गया। तब उनके घर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूर बशीरबाग के लाल बहादुर स्टेडियम में उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी। वो अपने पापा के साथ सुबह 4 बजे ट्रेनिंग के लिए जाती थी। ट्रेनिंग के बाद वो सीधे स्कूल जाती और घर आकर पूरी तरह थक जाती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बारे में किसी को बताया नहीं। कड़ी ट्रेनिंग के कारण साइना के पैर की मांसपेशियों में हमेशा दर्द रहता था और इसके कारण वो रात को उठकर रोने भी लगती थी। उनका रोना सुनकर माँ बादाम तेल से उनकी मालिश करती थी, मगर सानिया ने अपने इस दर्द को कभी अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। आज वो इसी कड़ी मेहनत के दम पर इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई और अवार्ड अपने नाम किए। साइना नेहवाल भारत सरकार की ओर से 2009 में अर्जुन पुरस्कार, 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। इसके साथ ही साइना नेहवाल बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। साइना ने कई राष्ट्रीय और 20 से ज्यादा इंटरनेशनल स्तर पर कई मेडल हासिल किए। वो पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक महीने के अंदर 3 बार शीर्ष वरीयता पुरस्कार हासिल किया। साइना की इसी मेहनत और लगन को देखकर आज हजारों लड़कियां उनसे प्रेरित हैं और उन्हीं की अपने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगी हैं।